हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक क्या है। इसे आप 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद या आईटीआई के बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा टेस्ट देना होता है, किस प्रकार से एडमिशन होगा, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटेक्निक क्या है? देखिए, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें एक पर्टिकुलर ब्रांच जैसे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिजाइनिंग, बहुत सारे ब्रांच है। इस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स है जिसमें आप जूनियर इंजीनियर की उपाधि प्राप्त करते हैं। अब 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद या आईटीआई करने के बाद जो हम डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, इसके लिए कौन सा टेस्ट देना होता है? देखिए, इसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं हम सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई करना कंपलसरी नहीं है, बट ये है कि आपका अच्छा रैंक आना चाहिए। ठीक, अच्छे रैंक लेकर के आएंगे तो ये आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस करवाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस बहुत कम होता है और प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस बहुत ज्यादा हाई होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मैक्सिमम 10,000 देना होगा और प्राइवेट कॉलेज के अंदर यही 40,000 से 50,000 हो जाता है। तो अगर आप सीईटी एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जनरली इसे बच्चे 10th के बाद ही करते हैं ताकि उनकी पारिवारिक स्थिति जो होती है वो बहुत खराब होती है, तो वो सोचते हैं कि 10th के बाद हम सीईटी का एग्जाम देकर के डिप्लोमा में एडमिशन ले लें और जॉब प्राप्त करके अपने फैमिली कंडीशन को सुधारें और कुछ हायर स्टडीज के लिए भी जाएं। तो किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे क्या करना होता है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ। तो पहले 10th से शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आप सीईटी का एग्जाम देंगे। इंडिया के अंदर पर्टिकुलर स्टेट जैसे दिल्ली, केरला, बिहार हो गया, इनमें क्या होता है कि अलग अलग सीएट एग्जाम होते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का सीएट देंगे, दिल्ली में है तो दिल्ली का, और अगर आप केरला में है तो केरला का। तो स्टेट वाइज ये एग्जाम होता है। ठीक, सेकंड थिंग, अगर आप 10th के बेस पे दे रहे हैं तो आपसे सिलेबस जो है वो 9th और 10th का है। अगर आप 12th के बेस पे दे रहे हैं तो आपका जो सिलेबस है वो 11th और 12th का है। अगर आप आईटीआई के बाद दे रहे हैं तो आपका सिलेबस आईटीआई से रिलेटेड। ठीक, अगर आप 12th के बेस पे दे रहे हैं तो क्या बेनिफिट है? देखिए, अगर आप 12th के बेस पे दे रहे हैं तो आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में होगा। अगर आप 10th के बेस पे दे रहे हैं तो आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर पे होगा। अगर आप आईटीआई के बेस पे देते हैं तो भी आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में होने वाला है। अब ये कोर्स बेनिफिट है या नहीं है, देखिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। इसमें आप जूनियर इंजीनियर की उपाधि प्राप्त करते हैं। जूनियर इंजीनियर की उपाधि प्राप्त करने के बाद इसके लिए जॉब के रास्ते वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में। गवर्नमेंट में आप रेलवे में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसरो में जॉब साइंटिस्ट की उपाधि होती है, उसके लिए भी आपको टेस्ट देना होगा। डीआरडीओ में वैकेंसी निकलती है, तो अलग अलग जगह पे डिप्लोमा वालों की वैकेंसी निकलती रहती है। 2018 में यहाँ पे आईटीआई लिमिटेड में भी वैकेंसी निकली है। तो अलग अलग जगह हर टाइम वैकेंसी निकलती रहती है। ये नहीं है कि डिप्लोमा वालों को कोई मतलब जॉब नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है और बहुत अच्छा जॉब भी मिल सकता है, बट जरूरी है कि हम मेहनत करें। अब 12th के बाद एक पॉइंट है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th पास कर लेते हैं बट 10th के बेस पे भरते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप अगर 12th के बेस पे, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 12th के बेस पर ही भरें, क्योंकि आपका वहां पे 1 साल का लॉस हो जाता है। क्योंकि अगर आप 12th पास कर चुके हैं और 10th बेस पे टेस्ट दे रहे हैं तो आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही होगा, ना कि आपका एडमिशन सेकंड ईयर में होगा। ठीक, अब क्या बेनिफिट है? देखिए, जब आप किसी भी डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं किसी भी ब्रांच में जैसे मैकेनिकल, सिविल, तो इसमें आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज से मतलब कंप्लीटली फिल कर दिया जाता है और आपका अच्छा नॉलेज हो जाता है उस ब्रांच में। और आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं और आप कंपनी में जॉब भी ले सकते हैं। अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, हायर स्टडीज में आप एडमिशन ले सकते हैं बीटेक में। अब ये बीटेक में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए, बीटेक में एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर है वो है लीड से, जिसे बोलते हैं हम लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज होती है जैसे आईपी यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एक एग्जाम करवाती है जिसे बोलते हैं हम लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप इस लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट को देते हैं, उसमें अच्छा रैंक लेकर के आते हैं, तो आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले कॉलेजेस में हो जाएगा। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे
डिप्लोमा के बाद आईआईटी ज्वाइन करना है तो हाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट जेई मेंस का एग्जाम दीजिए। जेई मेंस का एग्जाम देने के बाद आप एनआईटी सीएफटीआईएस इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, आपको जेई मेंस क्लियर करने के बाद जेई एडवांस भी क्लियर करना होगा तो ही आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। हाँ ध्यान रहे, डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक में जाते हैं तो आपका एडमिशन बीटेक के सेकंड ईयर में होता है, बट अगर आप आईआईटी में जेई एडवांस क्लियर करने के बाद जाएंगे तो आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही होगा। तो स्टूडेंट नहीं जाते हैं जेई एडवांस के लिए, वो सोचते हैं अगर उनको आईआईटी में ही एडमिशन लेना है तो वो डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद वो गेट क्वालिफाई करेंगे, गेट क्वालिफाई करने के बाद आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, वहां से आप एमटेक कर सकते हैं या पीएसयू में जॉब के लिए जा सकते हैं। अब आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, देखिए तैयारी आप या तो कोचिंग के माध्यम से कीजिए या घर पर ही है। आपको पता है कि अगर आपको डिप्लोमा ही करना है तो आप एक साल पहले से ही तैयारी करना चालू कर दीजिए, बुक्स आती है मार्केट में वहां से बुक्स परचेज कीजिए और वहां पे तैयारी कीजिए। अगर आप 10th बेस पे दे रहे हैं तो आप फोकस कीजिए कि 9th 10th के मैथ साइंस और इंग्लिश, क्योंकि जो टेस्ट होता है उसमें मैथ साइंस और इंग्लिश से ही रिलेटेड सवाल होंगे। ठीक 12th बेस पे देते हैं तो भी आपका मैथ साइंस और इंग्लिश से ही होगा, अगर आईटीआई बेस पे दे रहे हैं तो वहां पे भी आपको पर्टिकुलर सेक्टर से ही पूछा जाएगा क्योंकि उसके अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं आईटीआई के अंदर, उसमें भी फिजिक्स इंक्लूड होता है, थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा मैथ सब इंक्लूड होता है आईटीआई के अंदर, उसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए कि पॉलिटेक्निक के अंदर और क्या क्या हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है। धन्यवाद।